अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिजवान सेन यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स से रेलिवेंट है। करंट अफेयर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी मुझे मैसेजेस आते रहे, क्लास में भी, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट मुझसे कॉन्टेक्ट में हैं उन्होंने भी मुझसे मुसलसल इसी बारे में रिक्वेस्ट की थी कि सर करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका बताया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता नहीं है कि कैसे उसको पढ़ना है, और हम सर कंफ्यूज हैं कि ये टॉपिक तो करंट अफेयर्स का है लेकिन जब हमें पढ़ाया भी जा रहा होता है तो ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो ये क्या, हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं और ये किस तरीके से हो रहा है। तो हम आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि करंट अफेयर्स में को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आपका जो करंट अफेयर्स का सिलेबस दिया गया है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी क्या होगी और आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो ले लिया जाए करंट अफेयर्स के सिलेबस के मुताबिक। अगर आप सीएसएस का करंट अफेयर्स का सिलेबस देखें तो वो तीन हेडर्स में डिवाइडेड मिलता है। पहले हेडर में हमें वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स जो कि 20 मार्क्स का है, उसमें से कोई क्वेश्चन लिया जाएगा 20 मार्क्स का, वो आता है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में वो पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस करता है, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में भी अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज के साथ नहीं, जो चुनिंदा हैं उनके साथ। और इसके साथ साथ तीसरी वो बात करता है पाकिस्तान रिलेशन विद ग्लोबल लीडर्स एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है इसका वो ग्लोबल इश्यूज पे बात करता है जनरली, जो कि पूरी दुनिया को इस वक्त खतरात पेश हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी। उनमें पैलेस्टीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, न्यूक्लियर इशू है और ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, इस तरीके के वो टॉपिक्स को डिस्कस करता है। तो वन बाय वन हम पहले इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इनके नोट्स मेकिंग और फिर इसको पढ़ने के तरीके पे आएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास कैडर है या 20 मार्क्स का एक पोर्शन है करंट अफेयर्स के अंदर, वो डोमेस्टिक इशू का है। अब डोमेस्टिक इशू के अंदर उसने आपको सिर्फ तीन टॉपिक्स दे दिए हैं, या यूं कहें तो बहुत ही जनरल टर्म्स उसने आपके लिए लिख दी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है ये असल क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन्हें ज़रा डिकोड करते हैं। सो जहाँ तक हम बात करें पॉलिटिकल की, तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखिए। आपने प्लीज इसमें जहन में रखना है कि आपने इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान की लोकल पार्टीज को डिस्कस नहीं करना। जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने जब हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात करेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डिस्कस नहीं करना। लेट्स से कि अगर अभी पीपल्स पार्टी कराची में जलसा करने वाली है या नून लीग ऑलरेडी जलसा कर रही है और उस जलसे में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, या उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी तरीके से कोई डेमोक्रेसी को किसी दूसरी पार्टी ने डेमोक्रेसी को कोई कदगन लगाई है, तो आप ये डिस्कस नहीं करेंगे और आपसे वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। वो पॉलिटिकल या डेमोक्रेसी के हवाले से आपसे पूछता है कि अब कोई नई अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसका आप हमें असर बताइए। लेट्स से कि जब 25th अमेंडमेंट हुई और फाटा को केपी का हिस्सा बना दिया गया, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि जी बताएं अब चूंकि फाटा की सीट्स बढ़ गई हैं तो फिर ये कैसे फाटा को अफेक्ट करेगा, या ये पूछा जा सकता है कि लोकल गवर्नमेंट्स अगर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वो केस किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा, या फिर यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसके मुतल्लिक नजरिया है वो कैसे लोकल गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इस तरीके के वो सवाल पूछेगा आपसे जो कि ओवरऑल जनरल परस्पेक्टिव में पूरे मुल्क को अफेक्ट कर रहे हैं, ना कि वो आपसे किसी पार्टी के सवाल से पूछेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर ले। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। उसमें जो सेकंड हेडर है वो इकोनॉमिक है। इसमें आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी कैसे रन होती है, आपकी इकोनॉमी के रेवेन्यूज के सोर्सेज क्या हैं, इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल के लिए कुछ सजेशंस, जो मसाइल होंगे सजेशंस भी ऑब्वियसली उन्हीं में से ये निकलते हैं, वो कुछ सजेशंस आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो आजकल हमें पता है कि IMF के साथ हमारी डीलिंग्स हैं और इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड बैंक टाइप, या फिर
कुछ वॉच डॉग्स हैं जैसे FATF है, तो इनके बारे इनको भी आप इकोनॉमी से लिंक करके पढ़ेंगे। तीसरा जो हेडर है वो हमारे पास सोशल है। अब उन्होंने एक वर्ड लिख दिया है सिर्फ सोशल। अब सोशल में आपको क्या पढ़ना है ये आपके जहन में होना चाहिए। देखें, सोशल से मुराद यहाँ पे ये है कि सोसाइटी आपकी ओवरऑल, आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं न्यूज में कि सोसाइटी को कौन कौन से इश्यूज लाहक हैं। यहाँ पे खवातीन के हकूक पामाल किए जाते हैं, बच्चों के साथ यहाँ पे अब्यूज हो रहा होता है, हमें आए रोज ये न्यूज में पता चल रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं हो रही होती। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोग और सोसाइटल अनरेस्ट आ गया है लोगों के अंदर, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये सोसाइटी के अंदर जो मामलात या जो इश्यूज जनरेट करती हैं ये चीजें, आपने उन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे सोशल से मुराद ये है, ठीक है। सेकंड जो हेडर है उस पे आ जाते हैं। सेकंड हेडर हमारे पास पाकिस्तान के जो रीजनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके साथ हम डील करते हैं। और इसमें पाकिस्तान के रिलेशंस, वो स्पेसिफिकली नेबर्स की बात करता है, पाकिस्तान के रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करता है। तो जब हम नेबर्स के साथ पढ़ेंगे तो शुरू से पढ़ेंगे पाकिस्तान के जो चार नेबर्स हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना। इनके साथ हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के इनके कब से इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन कब से स्टार्ट हुए, किस पॉइंट पे वो कम लो हुए, किस पॉइंट पे हाई हैं, और इस वक्त क्या सिचुएशन है इन दोनों के दरमियान, इन ममालिक के दरमियान। में आपने पढ़ना होगा कि ये ममालिक पाकिस्तान और ये इनके जो कंट्रीज हैं नेबर्स या जो और मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं, उनमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से इंटरनेशनल ग्रुपिंग में ये कॉमन मेंबर्स हैं, और इनके दरमियान में ट्रेड कैसी है, इनके दरमियान में कल्चरल ट्रेडिशंस और कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे कैसा चल रहा है, डिफेंस कैसी है, डिफेंस के कई मुहिदे हुए हैं कहीं पे, अगर इन लोगों ने आपस में कोई नई मिलिट्री एक्सरसाइज की है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। या अगर किसी इंटरनेशनल फोरम पे इन कंट्रीज में से किसी ने पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान ने इन कंट्रीज में से किसी के हक में बात की है तो वो भी इम्पोर्टेंट होगी, वो भी इनके रिलेशन को डिफाइन करेगी। तो आपने ये चीज़ें मद्देनजर कर रख के इनको पढ़ना होगा। और उसके साथ एक और चीज़ भी कि अगर पाकिस्तान के नेबर्स के, लेट्स से कि अगर ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, तो ईरान की जिस कंट्री के साथ एनिमोसिटी है, लेट्स से कि US के साथ है, तो वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील कर रहा है ईरान के प्रिज्म में, तो ये भी आपको इस तरीके से भी जहन में रखना होगा। अच्छा, और उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशन। अच्छा, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशन अगर आप वहाँ पे देखें तो आपको वहाँ पे इंडोनेशिया का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ आप देखें कि हमारे कोई रिलेशन एज सच कोई खास हमें उसमें अपडेट होते नजर नहीं आ रहे। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो टर्की, मलेशिया, आजरबाइजान, आजकल इनके साथ हमारे रिलेशन ग्रो कर रहे हैं। तो आपने करंट सिनारियो पे नजर रखनी है कि आजकल के टाइम पे पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड में कौन सी मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशंस ग्रो कर रहे हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ लकीर के फकीर बन के वो जो उन्होंने कह दिया उसको पढ़ लेना नहीं, ये आपको कुछ अपने तौर पे भी सोचना होगा, अपने इर्द गिर्द नजर रखनी होगी, न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे। डेली बेसिस पे आप देख रहे होते हैं हेडलाइंस, देख लें न्यूज़ की कि पाकिस्तान की जी आजरबाइजान, टर्की, इन तीनों ने मिलकर अभी रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आजरबाइजान, पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस अब ग्रो कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एक हेडर है जो मैंने पढ़ना है मुस्लिम वर्ल्ड में, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। और इस तरीके से फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और जो सुपर पावर्स हैं रशिया, चाइना एट्सेट्रा, ये सारी भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड कैडर है, वो है ग्लोबल इशूज का। उसके अंदर जो चुनिंदा आपके पास मेजर ग्लोबल इशूज हैं, कश्मीर अफेयर्स है, पाकिस्तान पैलेस्टीन का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, न्यूक्लियर इशू है, ये इशूज जो हैं, और आपको ये सारे पढ़ने होंगे। और आजकल जैसे कोविड भी एक ग्लोबल इशू है, तो वो भी आपको उस तरीके से जनरली पढ़ना होगा, और ओवरऑल दुनिया पे इम्पैक्ट और स्पेसिफिकली पाकिस्तान पे भी आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि हमने डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स को जो टॉपिक्स आपको डिवाइड किए गए हैं वो किस तरीके से आपने देखने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, जो कि मेजर कंसर्न होता है हमेशा से स्टूडेंट्स का कि सर इसकी तैयारी कैसे किए जाए और हम कैसे इनको पढ़ सकते हैं।
तो इसकी तैयारी करने के लिए देखें, पाकिस्तान करंट अफेयर्स में आपको उस एक इशू का बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। तो आपको जब क्लास में भी जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो शुरू से फ्रॉम पॉइंट जीरो उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हम एक जनरल इंट्रो दे देते हैं कि जी ये ड्यूरेंट लाइन था, अफगानिस्तान यहाँ से अलग हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान जब बना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान को, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस हो गई, और फिर उसके बाद रशिया यहाँ पे आया, पाकिस्तान ने यूएस के साथ मिलकर रशिया को यहाँ से निकाला अफगान जिहाद की फॉर्म में, फिर उसके बाद जब 96 में तालिबान आ गए तो पाकिस्तान ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, फिर 2001 और फिर उसके बाद चलते चलते अब की हम सूरत हाल पे पहुंच गए हैं कि जब तालिबान वहां पे रूल कर रहे हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को इंटरनेशनल डिमांडिंग्स के या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो वो प्रोसीजर्स मांग रहे हैं उन पे एग्री कराया जाए ताकि हमारे नेबरहुड में एक फ्रेंडली ग्लोबल फ्रेंडली कंट्री आ जाए। तो ये सारा एक बैकग्राउंड मैंने दे दिया है मिसाल के तौर पर। अब आपने ये सारी चीज जब पढ़ ली उस टॉपिक के हवाले से, तो फिर आपने डेली बेसिस पे लेट्स से कि अगर आपके पास ये एक पेज है, आपने इस पे नोट्स मेकिंग अपनी कर ली सारी की सारी, आपने पूरी इसकी हिस्ट्री लिख ली अफगानिस्तान इशू की, तो डेली बेसिस पे जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई उसके मुतालिक अपडेट आ रही है। लेट्स से कि अगर कल जैसे आज की भी न्यूज़ थी कि तालिबान प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स बना रहे हैं बच्चियों के लिए, तो ये एक न्यूज़ है। गर्ल्स, आपको पता है कि वुमेन एजुकेशन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान एक इशू है, तो आप ये लिख लेंगे उसके हेडर के अंदर ही ये चीज़ अपडेट कर देंगे तालिबान ये बना रहे हैं। इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे अपडेट करते जाएंगे अपने नोट्स को करंट अफेयर्स के हवाले से, और फिर आप उन तमाम जो आपके पास नॉलेज इकट्ठा हो चुकी होगी उसकी बेस पे आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस उस क्वेश्चन का होगा, उस सिचुएशन का होगा जो एग्जामिनर ने आपको दिया है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम सिचुएशन की बात करें तो चूंकि हम सब पढ़ चुके हैं अफगानिस्तान के मुतल्लिक, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आप मुझसे पूछें कि सर अफगानिस्तान की आगे की सिचुएशन कैसी है, तो मैं कहूँगा कि बेस्ड ऑन ऑल द एनालिसिस के जब तालिबान ने मिलिट्री माइट अपनी दिखा दी है, अमेरिका वहाँ से निकल गया है, तो तालिबान के लिए कुछ नए चैलेंजेस भी हैं। तालिबान के अफगानिस्तान के हवाले से ही मेरी एक और वीडियो भी है, उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो आप उसमें देख लीजिए कि वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो मैं कहूँगा बेस्ड अपॉन ऑल इंफॉर्मेशन कि तालिबान के पास पहले चैलेंज ये था कि अशरफ गनी के साथ गवर्नमेंट बनानी है, चूँकि अशरफ गनी एंड कैबिनेट वहाँ से निकल चुकी है, तो नया चैलेंज आ गया है कि अब उनको खुद ही अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन भी करना है। तो उसके लिए नया चैलेंज ये भी है कि उनको इकॉनमी को भी सस्टेन करना है। उनके पास चैलेंज कल के कंधार में एक ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में, तो उसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि आईएसकेपी का जो चैलेंज है वो भी एक तालिबान के लिए नया चैलेंज है। तो इसकी तमाम नॉलेज की बेस पे मैंने सिर्फ नया एनालिसिस कर दिया है उसका, ठीक है। और आप करंट अफेयर्स में यही कुछ ही है, आपने सारी चीज पढ़ ली और फिर उसके बाद ही आप एनालिसिस करें। और आप जनरली भी देखें अगर, तो आप किसी भी सिचुएशन का उस वक्त सही एनालिसिस करते हैं कि जब आपको उस सिचुएशन के मुतालिक एक पूरा बैकग्राउंड नॉलेज हो। तो इस तरीके से आपने करंट अफेयर्स को लेके पढ़ना होता है, ठीक है। और नोट्स मेकिंग आपने करनी होती है, मैं हमेशा से लूज शीट्स को फॉलो करता आया हूँ, और हर टॉपिक के लिए एक अलग लूज शीट होती है मेरे पास। तो मेरे पास ना रजिस्टर में जैसे पेजेस की कमी का शिकार ना मैं कभी हुआ हूँ, और ना मुझे कभी ज़्यादा लिखने में कोई मसला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास शीट्स हैं हर टॉपिक की, मेरे पास एक अलहदा शीट है, तो मुझे सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है, वो शीट्स उठाऊंगा मैं और उन्हें गो थ्रू करूंगा और पेपर दे दूंगा। और फिर एनालिसिस जब आप हम उसके बाद आ जाते हैं एनालिसिस पे, कि एनालिसिस को अच्छा कैसे किया जाए, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छा एनालिसिस करने के लिए अच्छा क्वालिटी मटेरियल पढ़ना चाहिए, जैसे डॉन में, ट्रिब्यून में, या इंटरनेशनल राइटर्स हैं जैसे CFR है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, उसकी राइटिंग्स आती हैं, अल जजीरा के कॉलम्स आ जाते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, इस तरीके के जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं आपको ये पढ़नी है। अफगानिस्तान आपका जो टॉपिक है चुनिंदा, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उस पर गूगल करें,
उसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन का नाम लिखें और फिर आपके पास वो उनका एक एनालिसिस आ जाएगा पूरा का, तो आप उनके एनालिसिस को पढ़ के अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी हिस्ट्री पढ़ने की बात है तो आप शमशाद साहब की किताब पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स बाय डॉक्टर सफदर, ये एक अच्छी किताब है, इससे भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को तैयार करना है। और जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आप अच्छा लिखने के लिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टीचर्स के साथ बहुत जरूरी होगी, तो आप अपने मेंटर्स के साथ, टीचर्स के साथ इन टच रहिएगा और उन्हें कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहें ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती रहे बेहतर। और इसके साथ साथ आप लोग हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक भी देता रहा करें, और अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो जिस टॉपिक को आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करें ताकि हम फिर उस पर रिसर्च करके और उस पर आपके लिए यूजफुल डाटा प्रोवाइड करें। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिला होगा। थैंक यू।